जो भी वैरायटीज की बात आती है कि फार्मर शील्ड पे देना है, पहले हम उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, फिर फार्मर शील्ड पे ले जाते हैं। इसमें हमें 10 से 12 साल का टाइम लगता है। इसी के साथ साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी AICRP फ्रूट्स में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी निकाली है सर, जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग, रेजुमिनेशन ऑफ मैंगो, बैगिंग, फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग, इस तरह के जो काम हमारे चल रहे हैं HRC पत्थरचट्टा पर। दोपहर के बाद आपको डायरेक्ट लाइव फील्ड में हम इसका प्रदर्शन करेंगे सर। कोई टेक्नोलॉजी के साथ हम खेती करें, इनपुट कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से अगर आप देखें तो क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्लाइमेट का भी हो रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि डेफिनेटली हमें और किसानों को एक डायरेक्शन में फार्मिंग को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहला मैंगो जो बिकता है अल्फांसो का, अगर आप अल्फांसो के क्षेत्र में रहे हैं तो 4000 रुपये दर्जन के हिसाब से बिकता है वो, 4000 रुपये दर्जन। लेकिन वो कब आता है? मार्च में आता है या फरवरी में आता है। तो ऐसी स्थिति में जो समय है, कब आपका आम हो रहा है, किस लोकेशन में हो रहा है, इन सब चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जो पुराने समय में आम का उत्पादन होता था उससे क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उपक्रम किए हैं रिसर्च के हिसाब से, और उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे है, तो वो आप लोग भी देखते जानते समझते हैं। और आपकी समस्याओं के साथ खड़े होने के लिए ही HRC इतने वर्षों से लगातार लगा हुआ है। ये उम्मीद करता हूं और ये सोचता हूं कि एक ऐसा सिस्टम हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए कि जो किसानों को ये जानकारी उपलब्ध कराए कि कौन सी वैरायटी, कौन सा पौधा कहाँ सुटेबल है, और उसको प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑपरेशन करने की जरूरत है। मेरे को यहाँ बोर्ड डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में नामित किया गया है, इसलिए नहीं किया गया कि मैं किसान की बात को ना सुनूं। मैं किसान की बात को सुन के आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए आप तक आया हूँ। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस करना, ठीक है, इससे बहुत नॉलेज बढ़ती है। आज आप लोग आए, आपने एक शानदार प्रदर्शनी देखी, मैंने ही पहली बार देखी कि 250 वैरायटी हैं। आप हमारे साइंटिस्ट से मिलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सेशन आपने अभी से शुरू कर दिया टेक्निकल। हमारी यूनिवर्सिटी का उद्देश्य यही है कि आप किसी भी समय आइए, आप मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए, साइंटिस्ट से बात करिए, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर जाइए, सब पता लगाइए, इसमें कितना प्रोडक्शन होता है, कितना बढ़ सकता है, कितना और मिठास कैसी है उसमें, आम में सारी चीज़ें देखिए, ये हमारा काम है।